और कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए रेस शुरू हो चुकी है। अध्यक्ष पद की रेस में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस के कद्दावर नेता शशि थरूर का नाम आगे चल रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के तहत कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज केरल के त्रिशूल में है, लेकिन इधर दिल्ली से लेकर राजस्थान तक कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवारों की तस्वीर साफ होती जा रही है। रेस में सबसे आगे राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत हैं, जो इस पद के लिए सीएम का पद कुर्बान करने को तैयार है। अध्यक्ष पद के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गयी है। कांग्रेस के कद्दावर नेता शशि थरूर इसमें सबसे आगे हैं। इधर राजस्थान में सीएम की कुर्सी के लिए रेस शुरू हो चुकी है, जिसमें सचिन पायलट और सीपी जोशी का नाम चर्चा में है। सीपी जोशी से करीब 1.5 घंटे तक चली मुलाकात के बाद अब सचिन पायलट अपना दावा मजबूत करने के लिए विधायकों से संपर्क साध रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। इस बीच चुनाव प्रभारी मधुसूदन मिस्त्री कांग्रेस अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया में जुट गए हैं। पार्टी में 3 साल होने चाहिए, पार्टी में ज्वाइन हुए और वो डेलीगेट होना चाहिए। किससे किसको प्रस्ताव को कर रहे हैं, वो अगर जो डेलीगेट नहीं होंगे तो वो फॉर्म नहीं भर सकते। तो अब अगर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत कांग्रेस के अध्यक्ष चुन लिए गए तो उनकी जगह कौन लेगा मुख्यमंत्री, कौन बनेगा मुख्यमंत्री के सवाल पर क्या है कांग्रेस विधायकों की राय, आप देखिए इस रिपोर्ट के साथ। कौन बनेगा मुख्यमंत्री के सवाल के जवाब पर कांग्रेस के विधायक कुछ भी कहने से बचते दिखे। सभी ने कहा कि आला कमान का फैसला सर्वोपरि होगा। विधायक जोगिंदर आवाना ने कहा कि ऐसा कोई जवाब नहीं देना चाहूंगा जिससे बाद में पलटना पड़े। मेरा केवल एक ही जवाब होगा कि कांग्रेस पार्टी का जो हाई कमान जो तय कर देगा वो हमको मंजूर होगा, क्योंकि हम लोग कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मोर्चा खोलने वाले वेद प्रकाश सोलंकी भी कुछ भी बोलने से बचते दिखे। बस नहीं, कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूँ, मेरे से ज्यादा मजबूत कोई कार्यकर्ता है कांग्रेस का? इतने सालों से कांग्रेस का काम किया है हमने, हम कोई दागी बागी थोड़ी हैं, तो सच्चे सिपाही हैं हम, इसमें कहाँ दोहरा है। जो भी फैसला होगा आला कमान जो भी फैसला करेगा उसमें हम सब लोग सहमत हैं। इंदिरा मीणा ने भी कहा कि कांग्रेस आला कमान जो भी नाम तय करेगा हम सब उसे मुख्यमंत्री स्वीकार करेंगे। देखिए, हमारी चॉइस का कोई मैटर नहीं होता, हाईकमान के ऊपर हमारा निर्णय होता है, हाईकमान जो करेंगे वो सब अच्छा करेंगे। सीपीआई विधायक बलवान पूनिया ने कहा कि मुख्यमंत्री कोई भी बने, हमारा मुख्य विरोध बीजेपी से है। हमने तो किसी का नाम चलाया भी नहीं, कांग्रेस का अंदरूनी मसला, वो जो फैसला लेंगे वो अपने हिसाब से लेंगे। गौरतलब है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं।